धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव अंतिम चरण में है और मुख्य कार्यक्रम समाप्त होने में मात्र 2 दिन ही बचे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पैसे की बर्बादी का मामला उस समय दिखाई दिया जब इस कार्यक्रम में के लिए छपवाए गए हजारों कार्डों में से अधिकांश कार्ड बांटे ही नहीं गए और यह पेटियों में बंद धूल फांक रहे हैं। खुद देखिए हमने किस तरह से इस बर्बादी को कैमरे में कैद किया है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर है और सरकारी पैसे की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश किस तरह से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड प्रबंधन टोकरी में डाल रखे हैं। निमंत्रण पत्र हमने सबको भिजवाए हैं, जहां भी जाने थे उन सब लोगों के पास पहुंचे हैं। कुछ कार्ड मुझे जानकारी नहीं है कि कितने कार्ड नहीं बटे, कुछ कार्ड हो सकता है कि नहीं बट पाए होंगे, लेकिन जितने कार्ड जहां जाने चाहिए थे वो हमारे कोई बात नहीं, मैं जानकारी लूँगा फिर बताऊँगा। ये जो कार्ड बंटने की प्रक्रिया है वो काफ़ी दिनों से शुरू हो गई थी और बिल्कुल कार्ड जहां बंटने की बात थी वो हमने जिन जिन एजेंसियों को पिछले साल के भाव जो हमने ट्रेंड्स थे उसके मुताबिक हमने बांट दिए थे। अभी भी ऐसा है, मैं बताता हूं, कार्ड जो बेसिकली है जो हमारे VIPs थे और जो हमारे बाहर से गेस्ट आ रहे थे, इवन लंदन तक कार्ड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक कार्ड गए हैं और इवन हमने पत्राचार चिट्ठियाँ भी लिखी हैं और केवल यही नहीं है, अखबार के माध्यम से भी हमने उसका एडवर्टाइजमेंट की है और उसी के चलते हुए इतना रश हुआ है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलता सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।